हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए आया हुआ हूँ सुजुकी हयाते का ओनरशिप रिव्यू। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी बताऊंगा क्योंकि ये 20,000 किलोमीटर पे हो चुकी है, ऑलमोस्ट होने ही वाली है। तो इस पर मैं पूरा ओनरशिप रिव्यू दूंगा, ओनर जानते हो कौन हूँ मैं हूँ, एंड पूरी इसकी ए टू जेड डिटेल्स दूंगा आप लोगों को, बताऊंगा कि मेरा क्या रहा अब तक का एक्सपीरियंस इस गाड़ी के लिए। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत लोगों ने 98% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में घंटी का ऑप्शन आ रहा होगा उसको भी दबा दीजिएगा, एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे ब्लॉग्स को शेयर करना मत भूलिएगा। लोगों को बताऊँगा बाइक के बारे में कि बाइक ये कब की है। तो ये है 11 अक्टूबर 2013 को मैंने इसको परचेस किया था, एंड ये मेरे फादर की बाइक थी मतलब है, एंड उसके बाद मुझे उन्होंने दे दी। तो वो बाइक को ऑलमोस्ट अगर हम लोग साल देखें तो कितना 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस बाइक को। तो इस पर मतलब 8 साल होने ही वाले, ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 11 अक्टूबर को हो जाएगा। सो इसके बाद तो लोगों को पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि क्या क्या रहा है इस बाइक के साथ, पूरा रिव्यू दूंगा। तो अगर आप लोगों को रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट किए बिना मत जाइएगा। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को भी अपनी बाइक का, कार का, किसी भी चीज़ का अगर ओनरशिप रिव्यू देना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं या तो इंस्टाग्राम पे कर लीजिएगा या फिर मेरी आईडी आ जाएगी जीमेल की, वो मैं आप लोगों को दे दूँगा, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्क्रीन पर आ जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं बाइक का रिव्यू। तो भाई ये है अपनी सुजुकी हयाते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ये बाइक है 11 अक्टूबर 2013 की बाइक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एंड ये है फर्स्ट जनरेशन इसका, जो ये फर्स्ट जनरेशन बाइक है जो आप लोग देख रहे हो। ठीक है, इसके ऊपर फिर आई थी फेसलिफ्ट, मतलब उसको नहीं कहूँगा, बस उसमें थोड़ा सा एक अपडेट किया था। वो अपडेट ये था कि यहाँ पर ये जो बॉडी कलर देख रहे हो, ये चीज़ ब्लैक नहीं थी, उसके इसके बाद वाले में इन्होंने पूरा कलर्ड कर दिया था इसको, मतलब इसी के टाइप का ग्राफिक्स वाइट पूरा कर दिया था। एंड उसके बाद फिर इसका आया था सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो वो आया था सुजुकी हयाते ईपी। तो उसमें क्या चेंजेस थी, उसमें थोड़ा फेसलिफ्ट कर दी थी गाड़ी को, एंड उसमें एक चीज़ थोड़ा सा इंजन परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया था। ये 112 cc है, वो 113 cc कर दी थी। इसका जो टॉक और पावर होगी वो भी आपको पता चल जाएगी, और जो सुजुकी हयाते ईपी की थी वो भी आपको स्क्रीन पे पता चल जाएगी। बाकी सुजुकी हयाते ईपी में जो क्या था वो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, उसमें क्या था, इन्होंने पास लाइट दे दी थी जो कि इसमें नहीं है, बस सिंपली उन्होंने ये चीज़ करी थी। एंड अब बात करते हैं हेडलाइट रिस्पॉन्स की, तो हेडलाइट रिस्पॉन्स इसका मुझे तो अभी तक लो बीम में तो उतना अच्छा नहीं लगा, पर हाई बीम में मुझे सही लगा है, तो मुझे तो बढ़िया लगा। बाकी अगर आप लोगों को मैं एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगा रात के समय की कि कैसा इसका रिस्पॉन्स है, बाकी कैमरे में उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाता है जितना हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, तो वो चीज़ बढ़िया रही। तो हाई बीम का रिस्पॉन्स बढ़िया है, लो बीम का ठीक लगा मुझे। बाकी अगर नेक्स्ट बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन गाड़ी के मुझे बढ़िया लगे, मतलब ऐसा कोई मुझे फ्रंट का और रियर का दोनों ही का सस्पेंशन बढ़िया थे, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि बेकार लगा या कुछ लगा, इधर से थोड़ा सा बाइक सही आती है, तो वो चीज़ मुझे बढ़िया लगी। एंड बाकी ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग भी गाड़ी की बहुत बढ़िया है, मतलब मेरे हिसाब से तो रुक जाती है अब, बाकी तो कुछ लोग कहते हैं सुजुकी की अच्छी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं सुजुकी की अच्छी है, पर बाकी अच्छी है, मुझे तो सही लगा। एंड टायर साइज की बात करें तो वो आप लोगों के स्क्रीन पर आ जाएगा, बाकी थोड़ा सा मैं दिखा देना चाहता हूँ टायर साइज। ठीक है, टायर साइज देख लिया। बाकी अगर इसकी बाइक की हम बात करते हैं अब टॉप स्पीड की, तो भाई टॉप स्पीड जो बाइक जाती है, पहले तो मैं आपको किलोमीटर दिखा देना चाहता हूँ, 19,740 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 20,000 होने ही वाला है। एंड बाकी टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड इसकी चली जाती है 95 की कंपनी करती है, पर मैं 100 तक ले जा चुका हूँ, तो 100 टच हो जाती है। इसकी बात करें तो भाई टर्निंग रेडियस भी गाड़ी का बहुत बढ़िया है, सही रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी कभी नहीं आती है कि मोड़ने में या कुछ भी, तो टर्निंग रेडियस भी ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी की, तो टैंक जो है वो इसका कंपनी इसका टोटल 8 लीटर का टैंक कैपेसिटी है इसकी, और दो मतलब टोटल टैंक की 8 लीटर की है। बाकी ये जो मेन पूरा मतलब अगर ये रिज़र्व की बात करते हो तो रिज़र्व में ये 2 लीटर पेट्रोल रखती है, और मेन पे ये 6 लीटर रखती है, टोटल 8 लीटर हो गया।
8 लीटर इसका टैंक कैपेसिटी है। एंड बाकी टैंक की कैपेसिटी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ देख बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि बहुत लोग इसके बारे में पूछते थे मुझसे कि भाई ये बता दो इसके बारे में। ये देखो ये रिजर्व है, ये ऑफ है। देखो किस तरीके से चलता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये ऑफ है, ठीक है। अब रिजर्व पे गाड़ी लगानी है तो ये रिजर्व पे लग गई ऊपर की तरफ एंड ये ऑफ हो गई। एंड इसके बाद ये हो गई ऑन नीचे मेन पे, इस पर मेन पे रखते हैं। बाकी ये चोक होता है, चोक अगर आप नीचे कर दोगे तो ऑन हो गया है, ऊपर कर दोगे तो ऑफ हो गया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका चलता है। अब भाई इसके बाद बात करते हैं हम इसके गियर बॉक्स की। तो गियर बॉक्स ये 4 स्पीड गियर बॉक्स पे आती है, सारे गियर इसके आगे लगते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आता है। गियर की स्मूथनेस की बात करते हो तो गियर स्मूथनेस मुझे ठीक लगता है, कोई कभी भी ऐसा नहीं है कि अटकता हो या कुछ होता हो। कभी कभार हो ही जाता है अटकने, वो तो अपनी जो ड्राइविंग स्किल्स होती है उस पर डिपेंड करता है। बट बाकी गियर बॉक्स भी इसका स्मूथ है, कोई ऐसा वो नहीं है कि फंसता हो या टाइट हो। बाकी इंजन की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। 112 सीसी का इंजन है ये, सुजुकी हयाते है खाली, और जो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी इसके ऊपर सुजुकी हयाते ईपी आती है, उसकी परफॉर्मेंस इंजन परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी थी सुजुकी वालों ने। वो 113 सीसी पे आती है, ये 112 सीसी पे है। बाकी अगर हम बात करते हैं इसके ओवरऑल लुकिंग की तो ओवरऑल लुकिंग आप देख सकते हो गाड़ी की कुछ इस तरीके की है, जो मुझे बाकी गाड़ियों से अच्छी लगती है, ठीक है, देख लो। एंड भाई जो कहते हैं ना ये बाइक सुजुकी जापानी गाड़ी है, तो जापानी बिल्कुल लगती है, बिल्कुल मतलब देखा जाए तो जापानी इसमें बिल्कुल लगता है, दूर से देख के लगती है ना भाई जापानी है ये गाड़ी, ठीक है। बाकी ये जो है ना टैंक वो भी बिल्कुल बहुत सही तरीके से दिया गया है, थोड़ा मस्कुलर लुक इस पर आ ही जाता है। एंड बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ स्विच कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे ये देख सकते हो ये कुछ इस तरीके के स्विच का कंट्रोल्स आ जाते हैं। नीचे हॉर्न का आ जाता है, बाकी ये सिर्फ लाइट का एक ही आता है, सिंगल डबल में कोई इसमें पार्किंग बल्ब नहीं प्रोवाइड होते हैं। बाकी यहाँ पे सेल्फ का सिस्टम भी आता है, तो ये चीज़ बहुत सही है। बाकी इसमें जो सुजुकी ईपी थी उसमें पास का लाइट का ऑप्शन था, इसमें नहीं आता है, तो वो भी सही है सब। बाकी अगर हम बात करते हैं सीटिंग कंफर्टेबल की, तो सीटिंग कंफर्टेबल भी गाड़ी का बढ़िया है और कंफर्टेबल राइडिंग भी है इसकी, जो कंपनी बताती है कि भाई क्या कंफर्टेबल है। हाँ भाई बिल्कुल कंफर्टेबल है, थोड़ा सा मतलब बाकी बाइकों से जितनी भी मैंने थोड़ी बहुत चलाई हैं होंगी, बाकी सब बाइकें अपनी जगह कंफर्टेबल होंगी, पर ये बाइक भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आपने सुजुकी आते चलाई है तो आपको मालूम होगा कि कंफर्टेबल में सुजुकी आते बढ़िया है। तो उसके बाद उठाओ तो भाई जो अंडर स्टोरेज है गाड़ी का वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे गाड़ी के कागजात आ जाते हैं, यहाँ पे टूल किट आ जाती है, कुछ इस तरीके का आता है। बाकी ये बैटरी है गंदा इसलिए भाई क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादा मैं इधर छेड़खानियाँ नहीं करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स और बहुत सारी वायरिंग है जो उसमें पानी नहीं जाना चाहिए भाई, बंद करो, तो उसको मैं छेड़ता नहीं हूँ इसलिए। एंड बाकी अगर हम बात करते हैं एग्जॉस्ट साउंड की, तो मैं आप लोगों को इसका बाइक का एग्जॉस्ट का साउंड भी सुना देता हूँ। तो भाई अब बाइक की साउंड सुन लो एक बारी एग्जॉस्ट की, मारो। तो भाई एग्जॉस्ट की साउंड कुछ इस तरीके की है इसकी अपनी, तो एग्जॉस्ट साउंड आप लोग कैसी लगी आप लोग बता देना कमेंट में। बाकी अगर बैटरी का परफॉर्मेंस भी अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, तो बैटरी का परफॉर्मेंस इसका सही रहता है। इसमें जो है वो लो मतलब फ्री मेंटेनेंस फ्री वाली बैटरी इसमें मिलती है, बाइकों में जो मिलती हैं, तो वो भी बढ़िया रहता है। बाकी मैंने कोई भी छेड़खानियाँ अभी तक शुरू से लेके अब तक कोई भी छेड़खानी मैंने नहीं कराई है बाइक में, जैसे कि लोग हॉर्न लगवा लेते हैं, लाइट्स कुछ करवा लेते हैं। अपग्रेड अभी तक तो कुछ नहीं करवाया है, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन करवा लूँ थोड़ा सा कुछ, तो जैसा आप लोग अगर कमेंट करते हो अगर लगता है कुछ अपग्रेड करना चाहिए तो मुझे रिकमेंड करना, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा, उसको करूंगा, ठीक है। बाकी अगर बैक लुक की हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो बैक लुक गाड़ी का कुछ इस तरीके का है। बैक लुक से गाड़ी कुछ इस तरीके की दिखती है। पीछे भी इसके ओवरऑल हेलोजन्स और बल्ब में ही इसके आता है, LED का कोई भी यूज़ नहीं है।
अब भाई एक चीज़ और बड़ी मेन बात करते हैं जो सबको ज़्यादा पसंद मतलब होती है सुनना, ज़्यादा अच्छा लगता है, वो होता है इसकी सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट कितनी है? तो भाई मैंने इसका सर्विस का एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप जाके उस लिंक पर क्लिक करना एंड आप डायरेक्ट इसके सर्विस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। एंड बाकी अगर हम लोग बात करते हैं सर्विस सेंटर इसका कैसा है सुजुकी का, भाई ठीक है, कोई मतलब मुझे तो अभी तक सही लगा है, पर मैंने ज़्यादा सर्विस करवाई नहीं है इसकी, मैंने बाहरी से ही सर्विस करवाई है इसकी, ना ही कभी मैंने सर्विस सेंटर में बहुत ही कमी करवाई है, मतलब ये मान लो कि 1,000 डेढ़ हज़ार तक ही मैंने सर्विस करवाई है सर्विस सेंटर में, उसके बाद से मैं बाहर ही करवाने लग गया क्योंकि ज़्यादा ठीक मुझे नहीं लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट बता मतलब वो सर्विस सेंटर का चलता नहीं है कि अपना ही मतलब कुछ भी बिल बना देना, और मतलब कोई काम जैसे ऑयल चेंज नहीं भी होना फिर भी ऑयल चेंज कर देना, बाकी ये सब को थोड़ा बहुत रहता है, इसलिए मैंने बाहर से अपना लोकल मैकेनिक को पकड़ रखा है जो अपने पुराने हैं, जो अपने अभी तक सर्विस करते आ रहे थे अपनी पुरानी गाड़ियों के। एंड अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि भाई माइलेज कितना देती है, तो माइलेज का भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो, और अगर माइलेज बता वैसे मैं बता देता हूँ माइलेज कितना है, 60 का कंपनी क्लेम करती है 60 KMPL का, मतलब एक लीटर में 60 का एवरेज देगी, बट मैंने जब इसका एवरेज निकाला तो मुझे 52 KM/L का इसने माइलेज निकाल के दिया है, तो 52 यानी कि 52, ठीक है, तो 52 निकला जो कंपनी ने मुझे क्लेम किया। बाकी आपके ऊपर भी होता है थोड़ा, मेरे हो सकता है ड्राइविंग स्किल्स के अलग अलग होता है, कोई 62 भी निकाल लेता है, कोई 65, कोई 70 भी निकाल लेता है, अपने अपने ड्राइविंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। बाकी इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा तो ऐसी कोई बात और है नहीं, बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, सही है, एंड ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है गाड़ी, मैं आप लोग बता दूँ सुजुकी ने इसको साइलेंटली ही डिसकंटिन्यू कर दिया था, पता नहीं क्यों इसको क्या मतलब वही है, लोगों ने ज़्यादा शायद नहीं पसंद किया इसको, लोग बहुत ही लिमिटेड लोगों ही ने इसको ख़रीदा, एंड सही रहा, मुझे तो यार इसकी गाड़ी की लुक बहुत सही लगती है, अच्छी लगती है, अलग लगती है हटके, थोड़ा सा सही लगती है, सुजुकी की गाड़ी है। एंड स्टार्टिंग में हाँ मुझे भी नहीं पसंद था, जब मैं बचपन में छोटा था 2013 की बात है, तो तब तो छोटा था, पर तब मुझे पसंद नहीं थी बाइक, पर अब मुझे पसंद आती है, तो ये चीज़ है। बाकी ये डिक्की भी बहुत काम की है यार, डिक्की पहले मुझे, हालांकि इससे क्या होता है मैं एक चीज़ बता दूं आपको, इससे एक चीज़ होती है लुक चली जाती है वो है बात, पर काम बहुत आती है, क्योंकि बस अब अपने अपने ऊपर है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता है, तो ये चीज़ है। तो बस बाइक के ऊपर यही मैं बात रही है, बाकी अगर आपको भी ओनरशिप रिव्यू अपना करवाना है गाड़ी का तो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं अपनी जीमेल आईडी दे दूंगा, उस पे भी आप लोग दे सकते हैं अगर आपको कार बाइक या किसी का भी करवाना है, पर उसकी बस एक टर्म्स एंड कंडीशन एक ही रहेगी कि आपको कानपुरी की होना चाहिए हो या फिर शुक्लागंज तक होना चाहिए, बाकी बस कानपुर के बाहर आउट ऑफ सिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी, मैं भी नहीं आ पाऊँगा और आप भी शायद प्रॉब्लम होगी। तो बस यही था मेरा ओनरशिप एक रिव्यू, अगर आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया है तो थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किए बिना मत जाइएगा। मैंने कोशिश करी कि जितना छोटा से छोटा हो सके वीडियो बनाया है, बाकी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो बस, तो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने।